जम्मू कश्मीर में स्कैम्स की तो भरमार ही लगी हुई है, और जम्मू कश्मीर के जिस तरह से स्कैम्स की बात करते हैं उसमें इस साल का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो JKPSI का है, यानी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं उसमें जो सबसे बड़ा स्कैम निकल कर आया है वो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई थी, और वो था उसके बाद में आपने देखा कि अकाउंट असिस्टेंट में भी जो है वो स्कैम नजर आया, उसको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो खारिज कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिस तरह से कहा जाता था कि बेगुनाह को जो है बेगुनाह को तंग नहीं करना चाहिए और गुनेगार को छोड़ना नहीं चाहिए, लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है इस बात को बड़ी ही सीरियस ले लिया है। तो आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन है खालिद जहांगीर, उनके घर पर जो है फॉर्मर जो चेयरमैन थे JKSSB के खालिद जहांगीर, उनके जो रेजिडेंस पर जो है वो रेड जो है अभी चल रही है, और उसके साथ साथ और भी लोग हैं जिनके घरों पर रेड चल रही है। तो आज बता दें कि CBI की तरफ से 33 लोकेशन है जहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो रेड डाली जा रही है, और ये रेड जो है वो CBI द्वारा ही डाली जा रही है, और इसमें जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन स्कैम था ये रेड जो है उससे संबंधित है। और ये भी आपको बता दें कि 33 लोकेशन पर जो है ये रेड डाली जा रही है, इसमें जम्मू श्रीनगर है, करनाल है, रेवाड़ी है, गांधीनगर है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, बेंगलोर है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। इन सब एरियाज में जम्मू कश्मीर के बाहर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं एक बाहर से आई हुई कंपनी को जो है इसका एग्जामिनेशन टेंडर दिया गया था, और ये कहा गया था कि यहाँ पर जो है एग्जाम जो है वो लीक हुआ है, वहीं से लीक हुआ है। तो मल्टीपल लोकेशंस की बात करते हैं, वहां पर जो है वो रेड चल रही है, और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है आज के दिन की अगर हम बात करते हैं। सुबह सवेरे की शुरुआत जो है वो इसी अपडेट से हो रही है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो स्कैम निकल कर सामने आया था बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी एक कन्वोकेशन की बात करते हैं वहां पर यह भी कह दिया कि किसी गुनहगार का जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, और जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो कंट्रोलर थे एग्जामिनेशन के JKSSB के फॉर्मर चेयरमैन खालिद जहांगीर के घर जो है अभी रेड चल रही है, और उसके साथ साथ कई और भी जो है ऑफिसर्स है उनके घर पर भी जो है यहाँ पर रेड डाली जा रही है। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, और ये उन बच्चों के लिए राहत है जिन्होंने बार बार ये कहा कि हमने जो है ऐसा कुछ नहीं किया, फिर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। और CBI की रेड जो है वो आज सुबह 33 लोकेशन पर पड़ रही है, जम्मू श्रीनगर हरियाणा गांधीनगर गाजियाबाद बेंगलुरु दिल्ली, और सिर्फ सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था उसको लेकर। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बच्चे बोल रहे थे, मतलब बहुत से इश्यूज रेज हुए, उनकी जिस तरह से मांग थी कि यहाँ पर इंक्वायरी फेयर हो, और यहाँ पर बता दें खालिद जहांगीर जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं उनके घर पर भी जो है वो रेड डाली जा रही है, अशोक कुमार जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे JKSSB के उनके भी वहां पर रेड डाली जा रही है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ तरह की पासबुक जो है वो भी जो है मिलने का अंदेशा, यहाँ पर जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पासबुक जो है वो भी मिलने का अंदेशा यहाँ पर मिला है, कुछ बैंक ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो भी जो बीच में जो है इंक्लूड की गई हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रेड अभी ऑनगोइंग है, जिस तरह से CBI रेड खत्म होगी उसी के बाद में पब्लिक डोमेन में जो खबर आएगी वो अपने सोर्सेज के हवाले से जो भी खबर हम तक पहुंचेगी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए राहत है जिन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल जो है जम्मू कश्मीर की सरकार यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन काल पर चलाया था, तो अब जो है उन बच्चों को राहत मिल जानी चाहिए। क्योंकि आप देखिए जहां बड़े बड़े मगरमच्छों की बात की जा रही थी तो आज रेड जो है वो बड़े बड़े मगरमच्छों पर हो रही है, तो ऐसे में जनता भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो राय साझा करिए। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं जिन्होंने भी इसके एग्जाम दिए वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो खुला पड़ा है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।